वेलकम माई डियर फ्रेंड्स, दिस इज माई सेकेंड क्लास। और जैसे कि पहली क्लास में हमने अल्फ़ाबेट सीख लिया था और अल्फ़ाबेट में ए बी सी डी को सीख लिया था, और ए बी सी डी में कितने अक्षर होते हैं, कितने लेटर्स होते हैं, ये भी हमने सीख लिया था। तो आप सभी जानते हैं बच्चे कि उसमें 26 अक्षर होते हैं, 26 लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट में, और उन 26 में से 5 लेटर वॉवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो आई होप कि आप लोग अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे होंगे और आपने रिवाइज भी किया होगा। सो आज हम सीखेंगे वर्ड फॉर्मेशन। दिस इज माई सेकेंड क्लास, आर यू रेडी? तो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में जो सीखा था उसी बेस पे आज हम सीख रहे हैं। यहाँ पर आप देखें, जब हम बर्ड्स फॉर्मेशन की बात करें कि बर्ड्स कैसे बनते हैं, बर्ड्स बनने के लिए श्वर और बॉबल का होना बहुत ज़रूरी है। श्वर और बॉबल के मिलने से ही एक नए बर्ड्स का, एक नए शब्द का निर्माण होता है या बनता है। वो कैसे? जैसे बी, ये प्लस है, प्लस का मतलब है जोड़ना। तो बी में जब हम ओ जोड़ रहे, ओ में बाय जोड़ा, तब ये बॉय बना, बी ओ का। अब ये ओ है जो कि बॉबल है, आपको मालूम है बॉबल 5 होते हैं। कितने बॉबल होते हैं? 5। तो बॉबल्स की संख्या 5 है। अभी कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ और ये 5। तो इनका जरूर इसमें, क्योंकि मात्राएं होती नहीं है, तो इन्हीं का यूज होता है और इन्हीं के माध्यम से हम नए शब्द का बनाते हैं। जैसे सी ए टी, कैट, इसमें ए आ रहा है, ए बॉबल है, तो बिना बॉबल के नहीं बनाया जा सकता है। डी ओ जी, डॉग, और ई डबल जी, जी जी, तब एग बना। वैसे ही यहाँ पे जब हम बॉबल बॉबल ले लें इकट्ठे, तो कोई नया शब्द नहीं बनता है। अब आप जैसे मैंने ओ ले लिया, ओ एक बॉबल है, ए भी एक बॉबल है, ई भी एक बॉबल है, तो ओ ई क्या होता है? दैट इज नॉट श्योर, ये क्लियर नहीं है। कि आप कैसे इसको क्लियर कर सकते हैं कि ये क्या होगा? नहीं है ना मीनिंग उसका, क्योंकि वो केवल बॉबल। अब जैसे बी सी डी, क्या है बी सी डी? ये कह सकते हैं कि लेटर्स, इसके अलावा कोई शब्द नहीं बन रहा है। लेकिन बी एक आप कह रहे होगे कि कॉन्सोनेंट है और वाई भी कॉन्सोनेंट है, तो वाई बन गया, वाई तो एक शब्द है और वाई का मतलब द्वारा होता है। लेकिन आप ये देखिए कि जब हम पढ़ रहे हैं बाई, तो बी आ रहा है, और जो हिंदी के स्वर होते हैं, हिंदी के स्वर पर आपको ध्यान देना है कि कहीं कहीं लिखा तो रहेगा, लेकिन आपको जो उच्चारण निकल रहा है, मुंह से निकलता है कि आई वगैरह, तो वो स्वर इन्हीं स्वर से निकल के आता है, क्योंकि इसमें मात्रा नहीं होती। अब देखो, समझते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। जैसे आप बड़ा, छोटी, बड़ी, छुटाऊ, बड़ाऊ, ए, आई, ऋषि, ओ, ये एक्चुअली स्वर होते हैं और इनको अर्ध स्वर कहते हैं, क्योंकि ये अनुस्वर और विसर्ग में इसको रखा जाता है। इसलिए इन पर आपको फोकस करना है, इन्हीं के अकॉर्डिंग प्रोनाउंस होगा, उच्चारण होगा, और उस हिसाब से एक वर्ड का निर्माण होता है। अगर इनका उच्चारण नहीं आ रहा है, बॉबल नहीं आ रहा है, तो वो उसका कोई मतलब नहीं है। आई होप आप समझ गए हो कि शब्द कैसे बनते हैं, शब्द, कॉन्सोनेंट्स और वॉबल से बनते हैं, लेकिन उनका एक मीनिंग होना चाहिए, तभी वो बर्ड है। नहीं, ऐसे तो आप कहोगे कि अक्षरों का समूह ही शब्द है, यानी अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, बट इट इज नॉट क्लियर, क्योंकि ऐसे तो ये भी एक ग्रुप है पर इसका मीनिंग नहीं है। मीनिंग और सेंस होना चाहिए। सो आई होप मैं यहीं पर अपने वीडियो को विराम देता हूँ। आप समझ गए होंगे कि बर्ड्स का फॉर्मेशन कैसा होता है। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे सेंटेंस क्या होता है। थैंक यू।